Hi everyone, last time we have completed 4.4 question number 4 from 1 to 6. Now I will start from 7. So see 4.4 question number 4 of 7 sum. Okay, let's see. Integration 1 upon x bracket mein 6 log x in bracket square plus 7 log x plus 2 dx. अब देखिए, so मैंने आपको क्या था, आपको जो भी वैल्यू पुट किया यहाँ पर उसका डेरिवेटिव चाहिए. यहाँ पर क्या पुट कर सकते आप लोग, अब देखो मैंने क्या, आपको अब जो भी पुट किया उस ऊपर उसको आपको डेरिवेटिव चाहिए. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स, फिर आपको 1 बाय एक्स. तो क्या करो, पुट log x इक्वल टू टी. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला. नहीं आपको ये 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी से क्या कंसिडर करेंगे, ऐसा डी टी आई इक्वल टू 1 अपॉन ये 6 ही को, क्यों आपका ये 1 अपॉन डी एक्स क्या बन गया डी टी. तो बचा क्या 6 लेके log x को मैंने क्या पुट किया टी. तो ये क्या बना आपको टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 2. ठीक है, तो आपको log x में टी पुट किया तो ये 1 अपॉन x dx dt बना. 6 को 6 लिखे, log को पुट की टी, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस 7 लिखे. उसके बाद टी क्या log x का टी है प्लस 2. ये आपको ये ऐसा ही समझोगे और आप यहाँ पर देखिए सेम इसी टाइप का बन गया, बस अब सिंपल उसकी तरह है. तो क्या पहले क्या करें आप लोग, 1 अपॉन 6 बाहर निकालो तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 7 टी अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6 यहाँ पर डी टी. समझा, यहाँ से टी 6 बाहर आया तो ये दो जगह पे आ गया, हमने कॉमन लिया. अब देखिए 1 अपॉन 6 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 6 टी, 2 वन जा 2 3 जा क्या बचा, 1 बाय 3 डी टी. अब देखिए आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन 1 बन गया, तो आपका फॉर्मूला कर सकते हैं हाफ इंटू कॉम्पिटिशन. ठीक है, सामने कौन सा नंबर है इसमें क्या लिखेंगे, हाफ इंटू कॉम्पिटिशन ऑफ टी द होल स्क्वायर. ठीक, क्यों, बिकॉज आपका यहाँ पर पहले क्या सब में x था, बट अभी यहाँ पर क्या है टी. देखिए आपको जो ये इसको भी कहते हैं ऑपरेटर, जो आपको टी यहाँ पर, तो यहाँ पर सब में टी आएगा. अगर यहाँ पर एक्स है तो सब में एक्स आएगा. देखिए यहाँ पर पहले डी एक्स था, सब में एक्स का फंक्शन आया. अब यहाँ पर क्या है टी है, तो सब में टी का फंक्शन आएगा. मीन्स ये आपका ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं ऑपरेटर है. यहाँ पर जो आपको वही मिलेगा, तो यहाँ पर भी टी है तो टी लेना पड़ा, हाफ 7 अपॉन 6 द होल स्क्वायर, 7 अपॉन 12 द होल स्क्वायर, 7 2 6 12 क्या मिलेगा, 49 अपॉन 144 7 स्क्वायर 49 12 का 144. अब क्या करेंगे, 1 बाय 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर लिखिए प्लस 7 अपॉन 6 टी. आपको पहले एक बार इसको प्लस करना है फिर एक बार माइनस करना है, प्लस 49 अपॉन 144 माइनस 49 अपॉन 144 प्लस 1 बाय 3 यहाँ पर डी टी इतना आपको मिला. अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ये देखो आपको क्या करना है, इसमें ये 1 बाय 6 लीजिए. पहला आप यहाँ पर लिखो 1 अपॉन 6 1 अपॉन इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या था टी स्क्वायर था, तो आपको ओनली टी लिखना है. यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लिखो, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर है 7 का, ये 14 देखो आपको यहाँ मिल जाएगा. ये अपॉन सम यहाँ, अगर आपको यही समझता था आप यहाँ चेक कर लीजिएगा क्या मिला, प्लस 7 अपॉन 12 दी होल स्क्वायर. अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस होने वाला है आपका. देखो दो चीज़ें, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, मैं आपका मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएगा. तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ 144 है तो ये इसको भी 144 बना लें. ये 144 कब बने, जब इसको आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे
अगर आप नीचे आपको ऊपर भी करना पड़ा सेम बैलेंस करने के लिए तो आपको एन फोन कितना मिला आपको माइनस 49 अपॉन 144 प्लस प्लस 48 अपॉन 144 यहाँ पर डीटी तो इतना मिला आपको। अब देखिए 1/6 आपको पहले से बाहर है तो 1 अपॉन टी प्लस 7 अपॉन 12 दी होल स्क्वायर। अब बेस सेम हो गया तो माइनस 49 प्लस 48 अपॉन 144 डीटी आपका बेस सेम हुआ। इस दोनों को साथ में लिखो और इस नंबर को एक बार लिखिए। आपका बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो ऊपर नंबर को साथ में लिख दिए 1/6 मिलेगा 1 अपॉन ये क्या मैं आपको टी प्लस 7/12 दी होल स्क्वायर। ये माइनस और प्लस माइनस होता तब वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा बच बिगर नंबर कौन सा है 49 तब को माइनस 1 मिला अपॉन 144 यहाँ पर डी टी तो 1/6 टी प्लस 7/12 दी होल स्क्वायर माइनस 1/12 दी होल स्क्वायर डी टी। क्यों ऐसा बिकॉज आपको इसमें कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है इसमें आपका दोनों में स्क्वायर था तो कौन सा आएगा ये आपका पूरा क्या बन गया एक्स ये पूरा आपका ए तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला तो क्या है वो 1/6 पहले से बाहर है इंटू में 1/2 टू क्या है मेरा टू लिखिए ए क्या मेरा 1/12 है फिर लॉग एक्स क्या मेरा टी प्लस 7/12 माइनस 1/12 अपॉन टी प्लस 7/12 प्लस 1/12 प्लस सी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया आपका इंटीग्रेशन हट गया और प्लस सी आ गया। सब देखिए ये आपको कितना मिलेगा 2 6 2 12 इंटू में 1/12 पहले से यहाँ पर है क्या मिलेगा लॉग यहाँ पर वन है इसको क्रॉस में इसको इससे इसको करेंगे इसको नीचे करेंगे क्रॉस में अप्लाई तो 12 टी प्लस 7 अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन 12 मेरा नीचे भी सेम चीज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 12 डी प्लस 7 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस सी मिला तो ये 12 रिंग कैसे कर दो तो क्या मिला 1 लॉग 12 टी प्लस 7 माइनस टी अपॉन 12 नीचे भी क्या मिलेगा 12 टी प्लस 7 प्लस 7 प्लस टी अपॉन 12 तो देखिए आपका बेस सेम हो गया तो हमने उसको एक बार लिया और इन दो नंबर को एक साथ में लिख दिया यहाँ पे बेस सेम हुआ इसको एक बार लिख दिया देखिए 12 गेट कैंसल तो नाउ यू हैव लॉग ऑफ 12 टी लिखो 12 टी प्लस ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस माइनस साथ में से एक गया आपको 6 बचा बड़े नंबर का साइन आ गया डिवाइड बाय यहाँ में सेम 12 टी अब ये प्लस 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 7 प्लस 1 प्लस 8 प्लस सी ये आपको आई मिल गया बट आपने टी को क्या पुट किया था लॉग 12 टी 12 टी ने क्या टी को हमने क्या दिन किए टी को हमने लॉग एक्स पुट किया यहाँ पर क्या आएगा लॉग एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 12 लॉग एक्स प्लस 8 प्लस सी इट्स योर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है ऐसा क्यों देखिए तो हमारा आंसर मैच करने के लिए हम लोग वो भी कर देंगे लॉग 12 लॉग एक्स प्लस 6 लिखो सबको डिवाइड बाई 2 करो नीचे भी सेम 12 लॉग एक्स प्लस 8 करो डिवाइड बाय 2 करिए। अब देखिए पता आपको हमें 5 प्लस 3 अपॉन 4 है हमने इसमें क्या करते 5 अपॉन 4 लिखते प्लस 3 अपॉन 4 करते आपका सेपरेट कर देते इसमें भी सेम करो लॉग 12 अपॉन 2 मिलेगा लॉग एक्स प्लस 6 अपॉन 2 मिलेगा डिवाइड बाय 12 लॉग 6 प्लस 8 अपॉन 2 मिलेगा प्लस सी
तो टू वन जा टू सिक्स जा, तो आपको मिला आई लॉग ऑफ सिक्स लॉग एक्स प्लस टू वन जा टू थ्री जा थ्री मिला अपॉन यहाँ पर टू मिला यहाँ सॉरी सिक्स टू सिक्स वन जा सिक्स टू जा टू मिला आपको यहाँ भी सॉरी टू मिलेगा लॉग एक्स बचा प्लस टू वन जा टू फोर जा फोर प्लस सी मिला। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज आपको टेस्ट में पीछे आंसर मैच है ना, इतना भी आपको आंसर परफेक्ट राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा। बट आप चाहते हैं आंसर मैच होने के लिए सबको ऊपर नीचे टू से डिवाइड किए, तो आपको टू सेपरेट कर दो। ट्वेल्व अपॉन टू जो कि आपको सिक्स मिलेगा, लॉग सिक्स अपॉन टू क्या मिलेगा आपको थ्री मिलेगा। सेपरेट क्यों? बिकॉज आपको ये फॉर्मूला अगर ये आपको बेस सेम है तो सेपरेट करते, बस ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको। तो सवाल नंबर एट करते हैं जो कि क्या है, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट नाइन प्लस साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन आपको, यहाँ पर आपको है, मैंने आपको एक बताया कि आपको जो भी पुट करना है, आपने समझो आप जो पुट उसके ऊपर उसको ऊपर आपको डेरिवेटिव चाहिए। तो सपोज सर मैंने आपको साइन इनवर्स को डी पुट किया, क्या क्या मैंने पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स का डी बाय डी ऑफ साइन एक्स क्या होता है इनवर्स एक्स, वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डेरिवेटिव होता है। सेम चीज वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये चीज आपको दिख रहा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स दिख रहा आपको, तो ये क्या बन गया पूरा मेरा डी टी बना, ये वन अपॉन ये पूरा मेरी डी टी बन गया, पूरा मैं डी टी बन गया। तो ये बचा नाइन लिखो प्लस साइन इनवर्स हमने क्या पुट किया टी टी बट ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया सिंपल। तो क्या करेंगे इसका आपको थ्री का स्क्वायर लिख दो प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर डी टी। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, बिस्ट प्लस मतलब आपका ये फॉर्मूला आने वाला, बट इसमें पहले एक्स बाद में पहले है, तो क्या करो आप वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डी टी, तो क्या फॉर्मूला आ गया वन अपॉन ए वन अपॉन ए, ए मतलब वन अपॉन ए मतलब आपका थ्री है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब टी ए अपॉन ए थ्री प्लस सी इट्स और आई नो वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स ऑफ टी की वाली क्या पुट किया हमने साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, ये आपका आई बन गया। तो नाउ स्टार्ट सम नंबर नाइन, ये भी इजी है। नाइन में क्या लिखा आपको आई इक्वल टू साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर डी एक्स। मैंने आपको क्या था, आपको जो भी आप वैल्यू को पुट करेंगे उसका आपको डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, कॉस दिख रहा कॉस का डी पुट करो ऊपर से आप डेरिवेटिव दिख रहा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आप अरेंज करेंगे पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। हम इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज आपका मेथड कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर माइनस है क्या, नहीं है, तो माइनस नीचे भेज दो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी मिला, इतना हुआ। अब इसकी देखिए अब ये चीज़ ये आपको क्या मिलेगा माइनस डी टी, तो लिख दीजिए माइनस डी टी, ये क्या वन बच गया, फिर क्या अच्छा वन प्लस कॉस को जब उठ के टी स्क्वायर माइनस बाहर निकालो तो क्या मिला आपको वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर में होल स्क्वायर ले लो। देखिए आपको इसी में पहले की तरह ये फॉर्म में दिख रहा, बट आपको नंबर बाद में आएगा, तो क्या कर लो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पर डी टी, तो क्या मिला आपको ये वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए मतलब वन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या मेरा टी अपॉन ए प्लस सी, तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ टी क्या मेरा दैट इज योर कॉस एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपको आई होप समझा होगा। अब आगे देखते हैं सम नंबर टेन, आई इक्वल टू कॉस एक्स अंडर डिवाइड बाय थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस वन, यहाँ पर आपको डी एक्स। अब देखिए सिंपल आप याद रखो कि आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे ऊपर आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए,
तो मैंने इसी में क्या पुट करूँ कॉस को, हम लोग वैल्यू पुट क्यों करें, सिंपल सी बात है, आपको ऊपर वन चाहिए, ये क्वाड्रेटिक है बट ऊपर वन है क्या, नहीं है, तो ऊपर वन लाना पड़ेगा, ये हम लोग की आपका सब्स्टिट्यूट मेथड है, आपको वन पुट करना पड़ेगा। देखिए आपका ये मेथड है, इसमें आपको ऊपर वन दिख रहेगा। मैथ्स में याद रखो हर एक चीज़ की वजह होती है, हर एक स्टेप पर रीज़न होता है, उसमें क्या रीज़न है, आपको ऊपर वन लाना पड़ेगा, हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पुट। अब अगर मैं आप पूछेंगे कॉस पर पुट करो तो उसका रेट, अब मैं क्या नीचे पुट करेंगे आप उसका ऊपर रेट मिलेगा, तो साइन को टी पुट करो, उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या मिलेगा, ये आपको ये कॉस एक्स डी एक्स दिखा ऊपर, इसे क्या बने आपका डी टी बन गया, आपको ऊपर वन मिला वन अपॉन थ्री। एक हम लोग किसको क्या पुट किए, साइन को क्या पुट किए, टी, टी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन। अब देखिए ये चीज़ आपको इसी सिम्बल पहले क्या सिम्बल दिखिए टाइम में दिख रहा है आपको, आपको इस टाइप का दिख रहा, आपको सिंपल पहले हम थ्री बाहर निकालेंगे, आपका वन बाय थ्री बाहर आ गया, तो वन अपॉन डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस फोर टी अपॉन थ्री प्लस वन बाय थ्री यहाँ पर डी टी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि जो भी नंबर है उसको बाहर निकालो तो वो नंबर ये दो जगह पे आ जाएगा, मींस हमने कॉमन लिया। अगर आपको कॉमन नहीं समझ रहा तो क्या करो, जो भी नंबर यहाँ पर हटेगा बाहर आया वो नंबर आपको ये दो जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये वन हो गया, तो हमने क्या अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर, हाफ देखिए फोर बाय थ्री द होल स्क्वायर, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो आपको टू बाय थ्री मिला होल स्क्वायर, टू का फोर, थ्री का नाइन, ठीक है। अब आगे करते हैं तो क्या मिले इससे आगे आपको, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर टी अपॉन थ्री, आपको जो नंबर इससे पहले आपको एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, तो करते हैं फोर बाय नाइन माइनस फोर बाय नाइन प्लस वन बाय थ्री यहाँ पर डी टी, तो आपको क्या मिला, वन बाय थ्री वन अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो ओनली टी लिखो, तो आपको यहाँ का साइन देख रहे हैं माइनस, ये आपको क्या आएगा टू अपॉन थ्री द होल स्क्वायर। देखिए बेस सेम है क्या, नहीं, तब क्या करो, इधर थ्री से इधर से थ्री मल्टीप्लाई करो, आपको और यहाँ देखो अगर यहाँ नाइन है तो आपको यहाँ पर लाइन डालना पड़ेगा, तो थ्री नाइन का बने जब उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर बाय नाइन प्लस थ्री अपॉन नाइन यहाँ पर डी टी, तो क्या आएगा आपको वन बाय थ्री टी माइनस टू बाय थ्री दी होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन नाइन डी टी, वन बाय थ्री क्या मतलब आपको टी माइनस टू बाय थ्री दी होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको चार में से तीन गया एक बचा, बड़े नंबर का साइन गया नाइन थ्री फोर है तो नाइन मिला यहाँ पर डी टी, तब क्या करो वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस टू बाय थ्री दी होल स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री दी होल स्क्वायर कर लो, आपका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला, ये आपका पूरा एक्स अज्यूम करो, इसको पूरा ए अज्यूम करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, तो क्या करेंगे वन बाय थ्री आपको पहले से बाहर है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू लॉग क्या है मेरा वन अपॉन ए क्या मेरा वन बाय थ्री है, वन बाय थ्री उसके बाद लॉग ऑफ एक्स क्या मेरा टी माइनस टू बाय थ्री फिर माइनस ए क्या मेरा वन बाय थ्री है अपॉन टी माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस सी, इतना आपको मिला आंसर। इसके बाद ये थ्री थ्री गेट कैंसिल बिकॉज आपको ऊपर जाएगा तो कैंसिल होने वाले हैं, राइट कर दो तो क्या बचा आपको वन बाय टू बचा, तो आपको क्या ये थ्री कैंसिल हो गया लॉग, आपको थ्री आपको सिंपल यहाँ पर वन है वही प्रॉब्लम चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए थ्री को इससे इसको इससे इसको इससे करेंगे तो क्या मिले यहाँ थ्री थ्री माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन बाय थ्री होल डिवाइड बाय थ्री टी माइनस टू अपॉन थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस सी, तो देखिए अभी वन बाय टू लिखो लॉग ऑफ ये क्या मिला आपको थ्री टी माइनस टू माइनस वन अपॉन होल थ्री फिर थ्री टी माइनस टू प्लस वन अपॉन
3 प्लस सी, 3 3 गेट कैंसल्ड, क्या मिला आपको 1 बाय 2 लॉग ऑफ, क्या मिला 3t माइनस 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 प्लस, तो आपको कितना मिला माइनस 3 क्यू बिकॉज बड़े बड़े साइन अपॉन ये 3t प्लस माइनस माइनस, तो क्या मिला आपको माइनस 1 मिले यहाँ प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू हमने क्या लिखा, t को हमने साइन पुट किया तो आपको क्या मिलेगा 1 बाय 2 लॉग ऑफ 3 साइन x माइनस 3 अपॉन 3 साइन x माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू, ये आपको i मिल गया, इट इज आवर आंसर। ठीक है, तो सब नंबर अब 11 देखते हैं, वो भी सीधा सिंपल है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 tan स्क्वायर x प्लस 7 tan x प्लस 13 यहाँ पर dx। अब देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको ऊपर उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पर पुट tan x को t पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, उसका डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt मिलेगा, बस ये आप इतना dx sec स्क्वायर dx इक्वल dt, इसका मतलब यहाँ tt लिखो 1 अपॉन 2 लिखो tan क्या मेरा ta और स्क्वायर स्क्वायर आ गया प्लस 7 लिखो tan को t पुट किए t प्लस 13 ये मिला आपको। अब यहाँ से 2 बाहर निकाल पा रहे हैं तो क्या मिला 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, तो t स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2 t प्लस 13 अपॉन 2 dt, जो भी आप यहाँ से 2 बाहर लें तो ये 2 दो जगह पे आ जाएगा, आ गया। इसके बाद अब वही आपको हाफ इंटू क्वेश्चन हाफ क्या हाफ लिखिए इंटू में कॉफिशन हाफ क्या है 7 बाय 2 दी होल स्क्वायर, क्या मिलेगा 7 अपॉन 4 दी होल स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 16 मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर 49, 7 का 49, 4 का 16, एक बार प्लस एक बार माइनस 1 अपॉन 2 लिखो 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 7 बाय 2t, अब एक बार प्लस 49 अपॉन 16 माइनस 49 अपॉन 16 क्या मिला प्लस 13 अपॉन 2 dt है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका बेस सेम नहीं है तो यहाँ 2 8 कब बनेगा, ये आपको 2 तो 16 2 तो बन नहीं सकता, बट आपको 2 8 कब बनेगा बेस सेम करने के लिए, इसको हम लोग क्या करें 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 8 से देखिए अभी तो 1 अपॉन 2 लिखिए पहला टी स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर तो ओनली टी लिखे प्लस का प्लस क्या है इसका 7 अपॉन 4 दी होल स्क्वायर लिखे, अब देखिए माइनस इसको मैं क्या डाइल करता हूँ 49 लिखो प्लस अब 13 इर्जा, तो देखिए आपको इधर ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला आपको 13 इंटू 8 8 3 जरा 24 कट 4 कैरी 2 8 2 8 प्लस 2 10 कितना मिला आपको 104 होल डिवाइड बाय नीचे आपको 4 8 टू 16 राइट 16 लिख दो यहाँ पर डी डी, इससे आपका एक स्टेप काम हो गया। अब देखिए 1 अपॉन 2 टिकन ऑफ टी प्लस 7 बाय 4 दी होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है तो आपको देखिए ये इसमें बड़ा नंबर कौन सा है ये, तब यहाँ पर प्लस आएगा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो आपको 104 में से 49 या आपको 55 मिलेगा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 55 सॉरी प्लस क्यों आपका बड़ा नंबर ये है अपॉन 16।